यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज नाला सुपारा रहमत नगर में दिखाई दिया नफरतों का गुबार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे को तार तार करती एक शिकायत से टूट गया क्षेत्रवासियों का दिल। आज 15 अगस्त को हमारे देश में जहां हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ की धूम थी, देशवासियों के चेहरे खिले हुए थे, उसी राष्ट्रीय पर्व पे नाला सुपारा रहमत नगर में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। दरअसल मामला है रहमत नगर के द्वार पर लगे बोर्ड का। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बोर्ड से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, तो आपको बता दें जो बोर्ड आप देख रहे हैं यह बोर्ड हाल ही में लगवाया गया है। इसी जगह पर एक पुराना बोर्ड पहले लगा हुआ था जो बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया था और उस बोर्ड से हादसा होने का डर पैदा हो गया था, जिस कारण उस बोर्ड को मनपा हटाने लगी। तब स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इजहार खान ने मनपा को नया बोर्ड लगाने की पेशकश की। मनपा ने मौखिक सहमति दे दी और इजहार खान के द्वारा नया बोर्ड, जिसमें महापुरुषों की तस्वीरों को भी चित्रित किया गया है, बनवाकर लगाया गया। कल रात में आज़ादी की पूर्व रात्रि पर नए बोर्ड को सुसज्जित कर लगा दिया गया। आज़ादी का सूरज निकला, क्षेत्रवासी आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाने में व्यस्त थे। तभी दोपहर के समय मनपा कर्मी पुलिस जाब्ता लेकर रहमत नगर पहुंचे और बोर्ड को तोड़ने का प्रयास करने लगे। तब स्थानीय लोग जमा हो गए और सभी ने बोर्ड को तोड़े जाने के पीछे का कारण पूछा। तब मनपा कर्मियों ने बताया कि इस बोर्ड की शिकायत की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता को बोर्ड पर लिखे नाम से आपत्ति है और शिकायतकर्ता का कहना है कि रहमत नगर नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। तब स्थानिकों ने तर्क वितर्क करते हुए मनपा कर्मियों को कहा कि इस क्षेत्र का नाम आज से रहमत नगर नहीं रखा गया है, बल्कि सालों से यह क्षेत्र रहमत नगर नाम से जाना जाता है। खुद मनपा द्वारा जारी किए जाने वाली घर पट्टी की रसीद हो या क्षेत्र के बिजली के बिल, सभी पर रहमत नगर लिखा होता है। वहीं यहाँ स्थित पुलिस की बीट चौकी को भी रहमत नगर चौकी के नाम से जाना जाता है। स्थानिकों द्वारा किए गए तर्क वितर्क के बाद मनपा एवं पुलिस प्रशासन वहाँ से लौट गए और मामला शांत हुआ। यह मामला उठा ही क्यों एवं किसी को भी किसी नाम से कोई परेशानी क्या हो सकती है, इस बात को समझने की कोशिश की जाए तब यही समझ में आता है कि आज जो देश भर में हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें करके नफरतें फैलाने की साजिश जारी है, उसी साजिश के तहत इस तरह की शिकायत की गई। इस मामले पर रहमत नगर के कुछ स्थानिक बुद्धिजीवियों ने अपनी राय प्रकट की है, वह सुनिए आप आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अहमद शेख। जहां आज पूरा देश 15 अगस्त 75वां स्वतंत्र दिवस का वो शुभ कामनाएं दे रहा है और पूरे देश में धूमधाम से 15 अगस्त मनाया जा रहा है, आज वहीं नाला सुपारा स्थित रहमत नगर में एक गेट पे लगे बोर्ड द्वारा विवाद पैदा हो गया। विवाद ये है कि इस गेट के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, रहमत नगर लिखा हुआ है, जो कि इस एरिए का नाम ही रहमत नगर है। लाइट बिल से लेके घर पट्टी पे और भी जो प्रूफ होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद जो चौकी है, उस चौकी पे भी रहमत नगर ही लिखा हुआ है। लेकिन इस बोर्ड को लेके विवाद एक खड़ा हो गया है कि ये बोर्ड को तोड़ा जाए, और जो समाज सेवक इस बोर्ड को लगाए हैं उनका कहना है कि इस बोर्ड में ऐसा गलत क्या है कि इसको तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका हमारे पास यहाँ हमको परेशान कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, बोर्ड पे शिवाजी महाराज, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश को गौरव, जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में जीत के आए, उनके तस्वीरें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रहमत नगर के इस कोने से लेकर उस कोने तक हर दुकानों पे रहमत नगर ही लिखा हुआ है और यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि रहमत नगर बोर्ड ही लगा हुआ है, नाला सुपारा के अन्य जगहों पर भी इस तरह के बोर्ड लगे हैं, चाहे वो हमारे रहमान नगर, संतोष भवन, श्री राम नगर, हर जगह गेट लगे हैं, लेकिन इस गेट से आपत्ति क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस मौके पर सर, अभी हम बाहर खड़े थे, एक विवाद पैदा हुआ है रहमत नगर बोर्ड को लेकर। जी, तो
उसमें मैं आपकी आपत्ति जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग उस पर आपत्ति उठा रहे, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो वोट यहाँ के जो लोग हैं वो तो लगाए, लेकिन आप उसके मुख्य हैं जी, तो उसमें लोगों को आपत्ति क्या है? ऐसा क्या है कि जो वोट को निकालने के लिए लोग परेशान हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोगों को क्या आपत्ति है। बोर्ड आज कोई नया नहीं लगा हुआ है, बोर्ड पिछले 6 सालों से बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड क्योंकि लोखंड के पाइप का था तो 5-6 साल होने की वजह से वो जंग लग के सड़ गया था। आज 5-6 दिन पहले दीपाली ठाकुर मैडम आई थी और बोर्ड को काटने लगी, तो मेरे लोगों ने फ़ोन किया कि भाई वो काट रही हैं, आके ज़रा देखो क्या बात है। मैंने गया, मैं मैडम से पूछा कि मैडम क्या बात है, बोलो ये धोखादायक हो गया है, या तो आप इसको सही कर लो नहीं तो इसको काट के हमको लेके जाएंगे। मैंने कहा मैडम मुझको 2 दिन का टाइम दे दो, मैं इसको सही कर देता हूँ। मैंने बोर्ड को RCC कॉलम के जरिए उसको सही किया, बढ़िया से अपने खर्चे से मैंने सब काम किया ये। और उसके ऊपर पिछले 5-6 सालों जो काम नहीं हुआ था रहमत नगर का नाम लिखने का, तो रहमत नगर का नाम भी मैं समझा कि 15 अगस्त है, लोगों को हार्दिक शुभेच्छा भी दी जाए, गणतंत्र दिवस है, सबको शुभकामनाएँ दी जाएँ, और हमारे जो भारतवर्ष के जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जो पदक विजेता हैं उनका भी अभिनंदन किया जाए। इसलिए मैंने बोर्ड पे सबका फ़ोटो नाम अच्छे से उनको सब अभिनंदन किया, और साथ में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का और शिवाजी महाराज का फ़ोटो भी उनको लगाया है। इस बोर्ड से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों आपत्ति किसी को है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। आज अभी शाम को करीब 5:30 बजे तुलिंज पुलिस स्टेशन के API अवाड़े साहब का उनको फ़ोन आया कि आपने जो बोर्ड लगाया है उससे कम्युनल राइट हो सकता है, आप आके बोर्ड को निकाल दें। मैंने उनको बताया कि सर ऐसा है कि मैं 2 घंटे बाद आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने बोला नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सर नहीं, ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं आपसे 2 घंटे बाद मिलने की बात कर रहा हूँ। इतना नाम आनते हुए वो मेरे घर पर चले आए जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ, और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने। आज नाला सुपारा के अंदर कई हज़ारों इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं, वो लोगों के फायदे के लिए हैं, नुकसान के लिए तो नहीं है। कि भाई कोई आदमी किसी का घर जाना चाहता है, एड्रेस पूछता है, तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बोर्ड देखकर समझ जाता है बस इस एरिया का ये नाम है। अगर ये नाम रखना बोर्ड लगा देना जुर्म है तो ये क्या जुर्म किया मैंने? ये जुर्म किया है कि मैंने नाम लिख दिया है रहमत नगर। अच्छा रहमत नगर जो एरिया बसा हुआ है आज से नहीं, करीब पिछले 15 सालों से रहमत नगर एरिया बसा हुआ है, और इस 15 सालों के अंदर सबकी लाइट बिल अगर आप देखेंगे तो रहमत नगर है, घर पट्टी पर रहमत नगर, उनके सरकारी जितने भी दस्तावेजात हैं सब पर रहमत नगर ही है। नमस्कार सर, सर मैं आपसे जो रहमत नगर के गेट को लेकर विवाद चल रहा है, और आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, यहाँ के स्थानिक नेता भी हैं, और आपके यहाँ पे दुकान भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर ये विवाद जो हो रहा है इसका कारण क्या है और इसके लिए क्या उपाय निकालना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी रहमत नगर वासियों को, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रही बात विवाद की, इस एरिया का पहले से ही नाम रहमत नगर है, मेरी खुद की यहां दुकान है, खुद का ऑफिस है, रहमत नगर नाम से ही वो ऑफिस पहचाना जाता है। यहां लाइट बिल पर, घर पट्टी पर, गैस की पावती पर, जो भी सरकारी दस्तावेज है उनके ऊपर भी एड्रेस के अंदर रहमत नगर लिख के आता है। तो सीधी सी बात है, प्रशासन को समझना चाहिए कि एरिया का नाम रहमत नगर है। बहुत जगह देखो, श्रीराम नगर भी है, रहमान नगर भी है, हनुमान नगर भी है, तो क्या उधर विवाद नहीं हो सकता क्या? ये विवाद होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, एकता की मिसाल है, यहाँ हर कास्ट के लोग यहाँ रहमत नगर में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, सभी मेलजोल के यहाँ रह रहे हैं। अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने अगर उस गेट को उस पर रहमत नगर लिखवाया तो बहुत बड़ी बात है कि चलो कोई बाहर से आदमी आता है तो रहमत नगर कहाँ है उसको मालूम पड़ जाता है कि रहमत नगर यहाँ है। अगर प्रशासन को कोई दिक्कत है तो प्रशासन खुद आकर यहाँ एक बोर्ड लगा दे रहमत नगर का और एरो लगा दे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को तकलीफ हुई है, एक तो वो इधर का रहवासी नहीं है, जिसको भी तकलीफ हमको सुनने में जो आया है वो इधर का रहवासी नहीं है, तो उसको तकलीफ क्यों है, किसके बोलने पर वो चढ़ावे पर आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस रहमत नगर नाम से कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? कि मेरी दुकान ही रहमत नगर नाम से जानी जाती है। मुझे कोई अगर एड्रेस पूछता है तो मैं बोलता हूँ मैं रहमत नगर में आ जाओ, सितारा बेकरी से घूम के रहमत नगर में मेरी दुकान है, और मेरी दुकान आज 12-15 सालों से है। पहले मैं नागिंदास में था, अभी रहमत नगर में 2 साल हो गया, तो आज कस्टमर रहमत नगर नाम से आ जाते हैं। ये सितारा बेकरी कॉर्नर से लगा के ये कृष्णा मेडिकल के यहाँ पूरा रहमत नगर है, बाजू में लक्ष्मी नगर है, ये बाजू में ओम नगर है, तो क्या सबका नाम अपना अपना जगह पर सही है?
बोर्ड लगा है तो उसमें कुछ विवाद नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ना शिवसेना का है, ना सीटी का, किसी का नहीं है। उस पर ओनली ओन बाबा साहेब आम्बेडकर, शिवाजी महाराज और जो ओलंपिक में अभी जो जीत के आए उनके फ़ोटो लगे हैं। वो तो अपने अपने को गौरव होना चाहिए, देश को गौरव होना चाहिए, उनके फ़ोटो लगे और बीच में रहमतनगर लिखा हुआ है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे कोई आपत्ति है। मैं रहमतनगर का जो गेट लगा उसके पक्ष में हूँ, और अगर कुछ तकलीफ हुआ तो मैं अपने लेटर के जरिए प्रशासन को यह इत्तला करूँगा कि इस गेट को रहने दो। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।